लद्दाख और सिक्किम में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए टकराव को भले ही स्थानीय स्तर पर सुलझा लिया गया है, लेकिन मामला पूरी तरह शांत होता नहीं दिख रहा है। चीन ने सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती की है। इसके बाद भारत ने भी जवानों की संख्या में इजाफा कर दिया है। लद्दाख की पेंगोंग झील के अलावा डेमचौक, दौलत बैग ओल्डी और गलवा नदी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में दोनों देशों ने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और हर एक गतिविधि की जानकारी ले रहे हैं। चीन ये साजिश ऐसे वक्त पर रच रहा है जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और इससे निपटने में लगी है। ऐसे वक्त में चीन न सिर्फ जगह जगह टकराव के जरिए इस मुद्दे से ध्यान भटका रहा है, बल्कि नेपाल को भी भारत के खिलाफ भड़का रहा है। माना जा रहा है कि लिपुलेख मामले में नेपाल को उकसाने में चीन का ही हाथ है। पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारतीय सेना द्वारा अपनी ताकत मजबूत करने के लिए सड़क बनाए जाने के चलते चीन बौखलाया हुआ है। चीन इस फिराक में है कि भारत LAC के पास सड़कें न बना पाए। चीन ने वास्तविक नियंत्रण के करीब अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया है। इसके जवाब में भारतीय सेना भी बेहतर क्षेत्र रक्षण के लिए सड़क बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।